हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ई विद्या की मास्टर लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो पोर्शन चल रहा है आप लोगों का, फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है, और इसमें मैंने रिफ्लेक्शन और लाइट जो ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिस्कशन किया है। कल मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया था, मानव नेत्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी दोष होते हैं दृष्टि के, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या उनके कारण होते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब बातें हमने कल डिस्कस की थी। एक दो न्यूमेरिकल भी किया था, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आया था, कुछ बच्चों का गलत भी था, और जिन बच्चों का गलत था उन्होंने सही कर लिया होगा, और कुछ न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न है वो हम आज सोल्व करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपका अपवर्तन परावर्तन, लेंसों का अपवर्तन और आपके दृष्टि दोष से संबंधित जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमार सोल्व करेंगे। दर्शन कुमार, साहिल खान, राहुल कुमार, सभी को गुड आफ्टरनून। शेखर अवस्थी, गुड आफ्टरनून। नंदलाल पटेल, देवांशु पांडे, सभी को गुड आफ्टरनून। अब क्वेश्चन देखें जरा सामने, किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है, दोनों टाइप के दोष हैं उसके नेत्र में, और उसको दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए, जबकि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए +1.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताना है, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बताना है कि जो लेंस है उसकी फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताइए। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस, और निकट दृष्टि के लिए +1.5 डायोप्टर का लेंस, उसके लिए फोकस दूरी और उसके लिए फोकस दूरी और आपको उसकी नेचर बतानी है, प्रकृति बतानी है, लेंस अवतल होगा कि उत्तल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। पहले हम निकालेंगे दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि, और इधर ले लेते हैं निकट दृष्टि। दूरदृष्टि की परिभाषा मैंने बताई थी कल आप लोगों को, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें सही दिखाई देती हैं, निकट की दिखाई नहीं देती हैं, और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें सही दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर दोनों केस के अंदर आपको लेंस की क्षमता दी हुई है, और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन होता है, आप लोग सभी जानते हैं, P=1/F मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 100/F हो जाएगा। इस तरीके से F=1/P ये डायोप्टर में होता है, पावर जो निकालते हैं लेंस की ये डायोप्टर के अंदर होती है। और यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है आपको, क्या करना है, इस पावर को आप यहाँ पे रख देंगे F=1-1/5.5 - 10/55 - 10/55 - 2/11 meter यह आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, F=-0.18 meter। तो लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, इस दोष को सुधारने के लिए हमें कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, -0.18 meter फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए, इससे उसका दूरदृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। अब फोकस दूरी का साइन जो आ रहा है क्वेश्चन के अंदर निकल के वो माइनस आ रहा है, तो माइनस फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की, कॉनकेव लेंस की है। इसका मतलब -1.18 meter दूरी का अवतल लेंस होना चाहिए। दर्शन कुमार का आंसर सही है बिल्कुल। अब निकालते हैं निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष में भी उसी तरीके से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? F = 1/P = 1/1.5, क्योंकि पावर किस में दी हुई है? प्लस में दी हुई है। यहां पर आ जाएगा 10/15। अगर सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सेंटीमीटर में नहीं निकालना है, मीटर में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो यह आ जाएगा 2/3 × 100 सेंटीमीटर, 200/3 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस 66.67 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इतनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। देवांश पांडे का आंसर सही है। दूर दृष्टि के लिए F = -0.8, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमने निकाल लिया है 66.67 सेंटीमीटर में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो उसकी निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये पहचान कर लेंगे कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है। हमें वस्तु की दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, या फोकस दूरी दी हुई है, या आवर्धन क्षमता दी हुई है। जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं उन सबको हम पहले एक तरीके से लिख लेते हैं। एक तरफ लिखने के बाद फिर ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, वो अलग लिख लेते हैं, और जो पूछा गया है उसको अलग लिख लेते हैं, और फिर जो फॉर्मूले हमारे लेंस के हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। लेंस के केस में 1/F = 1/V - 1/U, और जबकि दर्पण के केस में क्या करते हैं, 1/F = 1/V + 1/U, ये दोनों फॉर्मूले रखते हैं। हाँ, 200/3, नंदलाल बिल्कुल सही है, 200/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह आ जाएगा 66.67 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे आपको लोग। उत्तल लेंस है, क्वेश्चन में आपको उत्तल लेंस दिया हुआ है, ये उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उस वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। साहिल यादव, वही चैप्टर चल रहा है अपवर्तन और परावर्तन का, लेंसों के अपवर्तन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। चैप्टर ऑप्टिक्स ही चल रहा है अभी तुम्हारा, अभी इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, पहले न्यूमेरिकल कर ले, उसके बाद प्रिज्म के बारे में डिस्कस करूँगा, और आज ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, कल से इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक उत्तल लेंस दिया हुआ है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है कि लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखे जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बने। 2 गुने प्रतिबिंब का मतलब क्या है, उसकी आवर्धन क्षमता जो है M = V/U, कितना दिया हुआ है आपको, -2, 2 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता -2 हो जाएगी, और आवर्धन क्षमता का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, V/U होता है। तो यहाँ पर F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है, U निकालना है, वस्तु की दूरी क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ जाएंगे, वस्तु की दूरी पूछी हुई है, तो V क्या होगा हमारा, V हो जाएगा -2U, वस्तु का दोगुना हो जाए, और इस लेंस को कौन सी दूरी पर रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, 1/F = 1/V - 1/U, 1/20 = 1/-2U, वस्तु की दूरी का दुगना हो जाएगा, और -1/U,
इक्वल टू सोल्व कर लेंगे इसको, 1/20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 -2/2u इक्वल टू -3/2u, 2u इक्वल टू अनुराग, हाँ यही तो क्वेश्चन अभी सोल्व किया है, लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता दी हुई है -20d, -20d दी है तो फोकस इक्वल टू पी, 1/p हो जाएगा, 1/-20 हो जाएगा, और इसके साथ +1d है, f इक्वल टू +1d, दोनों को जोड़ के p इक्वल टू p1+p2 निकाल लेना, या f निकालना हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1+1/f2। अनुराग को समझ आ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपको, दो पावर दी हुई है अनुराग का क्वेश्चन, दो लेंस की पावर दी हुई है, तो पहले वाले लेंस के आप f1 इक्वल टू 1/p1 निकाल लो, ठीक है, और f2 इक्वल टू 1/p2 से निकाल लो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, f निकलने के बाद p इक्वल टू p1+p2 है, और 1/f इक्वल टू 1/f1+1/f2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी सभी बच्चों का आंसर सही आ गया इस क्वेश्चन का, नंदलाल का भी आंसर सही है, 30 कबीर ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 2u इक्वल टू -60 और u इक्वल टू -30 cm आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वस्तु की दूरी है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता दुगनी निकल के आएगी और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और इस उक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सभी बच्चों का आंसर सही है। अब साइन माइनस आ रहा है तो उत्तल जो वस्तु की दूरी होती है वो तो सभी के अंदर माइनस ही ली जाती है, चाहे लेंस आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों प्रकार के लेंस के अंदर वस्तु की दूरी क्या होती है, आने वाले प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी माइनस आ जाएगी। रवि, दर्शन, साहिल, कुमुद सभी का आंसर -30 सही आंसर है, ठीक है। आदर्श मिश्रा आंसर नहीं आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता, सोल्व करो इनको घर पे बैठ के। कुछ और क्वेश्चन है, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यहां पर u की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -20 cm, ठीक है, और पूछ बताया क्या गया है कि 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 गुने का मतलब होता है m की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब प्रतिबिंब कैसा दिया हुआ है, आभासी दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर प्रतिबिंब आभासी दिया हुआ है, आभासी दिया हुआ है तो क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। तो इस लेंस की प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी निकालनी है आपको, प्रतिबिंब की दूरी मतलब आपको वी निकालनी है और फोकस दूरी मतलब एफ निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे, कोई लेंस है जिसमें वस्तु की दूरी -20 cm दी हुई है, हाँ अभिनव का आंसर -30 सही है, एम की वैल्यू 2 दी हुई है, आपको क्या क्या निकालना है, वी निकालना है और एफ निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहता है, एम यहाँ पर आपका क्या हो गया, एम इक्वल टू v/u, और m की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इक्वल टू v/-20, u की वैल्यू -20 दी हुई है, v आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है, m की वैल्यू यहाँ पर आपने 2 रख दी, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है -20 cm, और इसको सोल्व कर लो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40 cm, इसका मतलब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा,
और इसके सामने माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। एफ कैलकुलेट करेंगे, वी कितना आ गया हमारा माइनस 40 सेंटीमीटर इक्वल टू वन अपॉन माइनस 40 माइनस यू की वैल्यू क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर माइनस वन अपॉन माइनस 20। इस तरीके से आप फॉर्मूले को रख के आंसर निकला है सभी बच्चों का, कुमुद का, नंदलाल का 40 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। पहले वाले का आंसर 30 और इसका 40 करेक्ट आंसर। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू माइनस वन अपॉन 40 प्लस वन अपॉन 20 और वन अपॉन एफ इक्वल टू माइनस वन प्लस टू अपॉन 40 इक्वल टू वन अपॉन 40 यानी एफ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी का आंसर सही आ रहा है, अच्छी बात है। और क्वेश्चन देखते हैं जरा। रवि का, रिया का, अभिनव, वैशाली, सबका माइनस 40, ठीक है। नंदलाल गुप्ता 40 40 40, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उत्तल लेंस दिया हुआ है। लेंस आपको क्वेश्चन के अंदर उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इसके मुख्य अक्ष पर प्रकाशी केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है? प्रकाशी केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर दी हुई है। तो U का मान कितना हो जाएगा? माइनस 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा U का मान। तो माइनस 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशी केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है? वस्तु आपको यहाँ रखी हुई है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाशी केंद्र से इधर की तरफ, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाशी केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा, ये भी 36 सेंटीमीटर है। जो यू की वैल्यू है वो भी 36 सेंटीमीटर है, जो वस्तु की दूरी है वो 36 सेंटीमीटर है, और जो प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशी केंद्र से वो भी 36 सेंटीमीटर है। दोनों ही क्वेश्चन के अंदर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? लेंस की फोकस दूरी और उसकी आवर्धन क्षमता। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? एफ निकालना है हमें और एम, दोनों चीज़ें निकालनी है। हमें दिया क्या हुआ है? वी और यू की वैल्यू दी हुई है। वी क्या होगा? 36 सेंटीमीटर इधर बन रहा है, इधर की तरफ प्रकाश के जाने की दिशा है, तो वी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और वैसे भी उत्तल लेंस बोला है, उत्तल लेंस के अंदर तो जो वी की वैल्यू हमें लेनी होती है, जो वी का मान लेना होता है, वो हमेशा प्लस ही लिया जाता है। तो इसमें वही फॉर्मूला आपको पुट रखना है, करना है। कुमुद का आंसर आ गया माइनस वन, देखते हैं अभी, चेक करते हैं सही है गलत है। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन 36 माइनस वन अपॉन माइनस 36, कितना आ गया? 2 अपॉन 36, प्लस का आ जाएगा 2 अपॉन 36, यानी एफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ जाएगी और एम की वैल्यू आ जाएगी एम इक्वल टू वी अपॉन यू 36 अपॉन माइनस 36 इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, दो नंबर में भी आ सकता है, तीन नंबर में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो दो नंबर में आएगा, अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो क्या आएगा, वो तीन नंबर में भी हो सकता है। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सोल्व करें, प्रैक्टिस करते रहें तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं कुछ अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं,
क्या होता है, अपवर्तनांक के बारे में मैंने बताया ही था आप लोगों को, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इसको हम एन बोलते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश किरण होती है वो या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की तरफ आ जाएगी। तो इन दोनों का जो प्रकाश किरण की जो दूरी का अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन से समझ ले, क्वेश्चन क्या है? हाँ मान सिंह, एफ क्या निकाल दिया है, 18 सेंटीमीटर और एम माइनस वन। एफ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर और एम की वैल्यू माइनस वन, सही आंसर है। सत्यनारायण का सही है, वैशाली, रितेश पांडे, साहिल यादव, देवांश पांडे, मान सिंह, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखो जरा क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल दी हुई है आपको, जल में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा देखो, प्रकाश की चाल जो होती है जो वायु के अंदर होती है सबसे ज़्यादा होती है, जल के अंदर थोड़ी कम हो जाती है, और जब माध्यम बहुत ज़्यादा सघन हो जाता है जैसे डायमंड होता है, हीरा होता है, उसके अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि माध्यम जैसे विरलता से सघनता की तरफ बढ़ता चला जाता है तो प्रकाश की चाल भी कम होती चली जाती है, और माध्यम जब सघनता से विरलता की तरफ बढ़ता है तो उस केस में जो प्रकाश की चाल होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जल में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यदि जल का अपवर्तनांक n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/3, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, हमें क्या निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल। सभी बच्चे क्वेश्चन समझ गए हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपको, फॉर्मूला पता है, प्रियांशु शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले दिन भी मैंने बताया था इस चैप्टर के फर्स्ट डे, निर्वात में प्रकाश की चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, निर्वात में, हाँ इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, जल का निर्वात के प्रति आपेक्षिक अपवर्तनांक, जल का निर्वात के प्रति आपेक्षिक अपवर्तनांक, जल का निर्वात के प्रति आपेक्षिक n, वो कितना दिया हुआ है आपको, n की वैल्यू 4/3 दी हुई है। ठीक है, n की वैल्यू 4/3 है, और इसकी हम गुणा कर देंगे किससे, इसको गुणा कर दो सीधे सीधे प्रकाश की चाल से, जल में प्रकाश की चाल से, जो जल में प्रकाश की चाल है उससे गुणा कर दो, तो आपका आंसर का उत्तर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, देवांश पांडे का आंसर सही है, क्या हो जाएगा, 4/3, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है आपेक्षिक n, जल का 4/3, तो 4/3 गुणा 2.25 गुणा 10^8 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितना आ गया, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है नंदलाल का, और कुमुद का भी आंसर सही है, देवांश पांडे का भी आंसर सही है, और ये ओरिजिनल वास्तविक प्रकाश की चाल होती है, जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है वो इसी स्पीड से चलता है, 3×1 मीटर में या 1 सेकंड के अंदर 3×10^8 मीटर चल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप निर्वात में निकाल सकते हैं, अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई है आपको, अपवर्तनांक दिया है, जल में प्रकाश की चाल या निर्वात में दी है, तो कोई दो वैल्यू की हेल्प से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। रिया श्रीवास्तव सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 4/3, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच के अपवर्तनांक
दोनों का मान दिया हुआ है 4/3 एवं 2/3। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? ए एन डब्लू, ए मतलब एयर और डब्लू मतलब वाटर, वायु और जल इस तरीके से दिया हुआ है। तो ए एन डब्लू यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना मान दिया हुआ है? 4/3। प्रकाश की किरण किस बनी होती है? प्रकाश एक ऊर्जा होती है नंदलाल। प्रकाश की किरण जो होती है किसी वस्तु से नहीं बनी होती है, ये एक ऊर्जा होती है। फोटॉन बहुत तेज स्पीड से जब चलते हैं, और फोटॉन प्रकाश जो चलता है बंडल के रूप में चलता है, जिनको हम फोटॉन बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेट जिनको बोलते हैं, इनकी फॉर्म में चलती है, किसी वस्तु से नहीं बनती है। ये एक ऊर्जा होती है जिसका मास जो होता है लगभग नगण्य होता है, कोई वस्तु नहीं होती है ये। तो एयर का वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, और दूसरा दिया हुआ है एयर का कांच के सापेक्ष, ए एन जी, वायु का कांच के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/2। इन दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है जी एन डब्लू निकालना है। जी एन डब्लू का मतलब कांच का जल के सापेक्ष, ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। इन दोनों की हेल्प से आपको ये निकालना है जी एन डब्लू। तो क्या करेंगे? जी एन डब्लू इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए एन डब्लू अपॉन ए एन जी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4/3/3/2 बराबर 4/3 × 2/3 इक्वल टू 8/9 आंसर आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ गया? अभिनव का आंसर सही, देवांश का आंसर सही, कबीर का, सभी बच्चों का। देवांश 9/8 नहीं आएगा, 8/9 आएगा। देवांश 9/8 नहीं है आंसर, 8/9 है। ठीक है, प्रियांशु 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। रिया का आंसर सही है, देवांश ने अब सही किया है, दर्शन का सही है। अब हम प्रिज्म के ऊपर प्रकाश का अपवर्तन अध्ययन करेंगे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक जो हमने प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किया है कि जब किसी माध्यम से प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश की किरण जो होती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब के पास चली जाती है। वो कहाँ पर किया है? कोई कांच की हमने स्लैब ली है जिसके अंदर प्रकाश को डाला है, यहाँ से ये यूँ चली जाती है और फिर यूँ हो जाती है इस तरीके से। और ये जो आपतित किरण होती है ये इसके समानांतर हो जाती है। कौन सी किरण? ये जो निर्गत किरण होती है, निकलने वाली किरण होती है, जब कांच को छोड़ के एक पहली बार में तो ये कांच के अंदर घुसेगी, इसको आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद ये क्या है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और उसके बाद फाइनली ये बाहर निकल जाएगी। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती हैं दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी। ठीक है, ये होता है। अब हमें प्रिज्म के ऊपर करना होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक कांच का ट्रायंगल होता है, त्रिकोण की तरीके का होता है, कांच से मिलके तीन तरफ से कांच से मिलके एक संरचना बना दी जाती है, एक स्ट्रक्चर बना दी जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये कांच का ही बना होता है और किसी पदार्थ का नहीं बनता है। अब इसके अंदर जब प्रकाश गुजरता है, प्रकाश की किरण गुजरती है, तो ये आपतित किरण होती है, यहाँ से आपतित किरण या इंसिडेंट रे, आपतित किरण या इसको इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो यहाँ से ये क्या करती है, इसके आधार की तरफ को मुड़ जाती है। जैसे ही ये आएगा, प्रकाश आएगा इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा
आधार की तरफ झुक जाएगी, इसको यहाँ से मैं ऐसे दिखा दूँ तो ये आधार की तरफ झुक जाएगी और फाइनली ये क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी। इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे निर्गत किरण। अनुराग का आंसर क्या है? एक उत्तल लेंस द्वारा, हाँ, प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती है या नहीं? हाँ चलती है, बिल्कुल सही बात है। डायमंड हो सकता है रोहन, डायमंड भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। और डायमंड क्या काम करता है? कांच की तरह ही काम करता है। और डायमंड का तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए जनरली कांच का ही बनाया जाता है, क्योंकि डायमंड के अंदर भी इसका अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन वहाँ भी तेज़ी से होता है। तो ये ऐसे घुस जाएगी यहाँ पर, आपतित किरण जो है, निर्गत किरण, एक दूसरे के वो समानांतर नहीं होती है, जबकि हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती है। इधर से यूँ जाएगा तो इधर से यूँ हो जाएगा। यहाँ पर आप एक अभिलंब बना लेंगे, इस किरण को मैं अगर ऐसे बढ़ा दूँ और इसको पीछे बढ़ा दूँ इस तरीके से, इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या कोण होता है? एंगल ऑफ डेविएशन, वो कोण होता है जो कि वास्तविक किरण के अंदर, जहाँ से वास्तविक किरण जानी चाहिए थी, और उसके अंदर कितना अपवर्तन हुआ निर्गत किरण के अंदर, इन दोनों के बीच का जो कोण निकल के आता है उसको विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब प्रकाश अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ है। हाँ, किसी समांगी पारदर्शी पदार्थ माध्यम का वह भाग जो किसी कोर पर झुके हुए होता है उसको प्रिज्म कहते हैं। सही बात है रितेश पांडे, बायोलॉजी हमने करा दिए। बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पिछले हम 3-4 वीडियो पहले पूरा करा चुके हैं, आप उस वीडियो को थोड़ा समझे, 2-3 बार देखें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका प्रिज्म का डायग्राम, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म क्या होता है, इसको सचित्र समझाइए, और इसके अंदर आपतित किरण दिखानी है आपको, निर्गत किरण दिखानी है, और विचलन कोण दिखाना है। और इस तरीके से ये विचलन कोण का मान जो होता है डिपेंड करता है कि प्रकाश किस फ्रिक्वेंसी का है, किस आवृत्ति का है, सघन माध्यम से आ रहा है या विरल माध्यम से आ रहा है। ठीक है, देवांश पांडे, पार्श्व विस्थापन क्या होता है? पार्श्व विस्थापन मैंने पहले दिन बताया था इस चैप्टर की पहली वीडियो में कि जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ये जो हमारे पार्श्व भाग होते हैं, लेटरल साइड होते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं, इधर का भाग इधर दिखाई देगा और इधर का भाग इधर दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं हम लेटरल विस्थापन या पार्श्व विस्थापन। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये प्रिज्म के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश आता है ये श्वेत होता है, और प्रिज्म इसको क्या करता है, 7 रंगों के अंदर बांट देता है। 7 रंगों के अंदर बटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी निर्गत, हाँ सर, निर्गत किरण को हाँ परावर्तित किरण भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये यहाँ से परावर्तित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रियांशु शर्मा सही है, रिया शर्मा सही है, रिया श्रीवास्तव। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, जब आप किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रिज्म क्या करेगा, इसको 7 भागों में बांट देता है, यानी कि जो 7 रंग होते हैं वो सफ़ेद रंग के अंदर ही होते हैं, और उन 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। देवांश पांडे, मान सिंह, कैसे बढ़ता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। इसको VIBGYOR विबग्योर बोलते हैं। V4 होता है वॉयलेट, I4 इंडिगो, ये 7 कलर जो होते हैं प्रिज्म इनको अलग कर देता है।
जी फोर ग्रीन, वाई फोर येलो, ओ फोर ऑरेंज, आर फोर रेड। इस तरीके से सात कलर डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैल जाना, ठीक है। और इसके अंदर जो विचलन होता है वो रेड कलर के अंदर, लाल कलर के अंदर, लाल रंग के अंदर जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है, विचलन न्यूनतम, और यहाँ पर जो विचलन होता है वो अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो वहाँ बता दोगे वायलेट का, ठीक है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का, लाल रंग का, ठीक है। रोहन राजवर, बैनी आहापी नाला, हाँ ये भी सही है, क्लियर है बात सभी को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, एक चित्र से समझाइए। तो आप इधर से श्वेत प्रकाश को निकलता हुआ दिखा देंगे, और ये श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से जब एंटर करेगा निकल के सात रंगों में बढ़ जाएगा, उन सातों रंग के मैंने आपको नाम दे दिए हैं, इसको बोलते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, रंगों का स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सबकी फुल फॉर्म दी हुई है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वायलेट का होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने सात रंगों में ये जो सात रंग बना दिए हैं, इन सात रंग को फिर से श्वेत प्रकाश में बदल दिया जाए। हाँ, देवांश पांडे, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है, बिल्कुल। वायलेट का जो तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्ब्डा होता है, वो कम होता है, इसलिए इसका विचलन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर जो रेड होता है इसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, इसलिए इसका जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है। हाँ, विनय कुमार बिल्कुल सही है, इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। अब आते हैं हम, कैसे जो सात रंग के कलर होते हैं इनको हम वापस कैसे श्वेत रंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो प्रिज्म रखता हूँ, एक प्रिज्म मैंने सीधा रख दिया है और एक प्रिज्म को मैं इस तरीके से उल्टा रख देता हूँ, दो प्रिज्म रख देते हैं। तो जब आप इससे प्रकाश गुजारेंगे श्वेत रंग का, तो ये सात रंग में बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर के अंदर बढ़ जाएगा। और जब ये सातों कलर इस प्रिज्म से दोबारा वापस निकलेंगे तो ये एक ही वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएंगे, और ये निकलेगा आपका श्वेत प्रकाश, यहाँ पर भी विभिग्योर बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, श्वेत प्रकाश। वी आई बी जी वाई ओ आर, और ये विभिग्योर जो हैं सारे के सारे मिलके वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश के अंदर चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हाँ अंश शर्मा, केमिस्ट्री का पार्ट तो हमने सबसे पहले करा दिया था, उसको रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और आप उसको चैनल से, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि आप उस केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अंश नंदलाल, अब इसके बाद ये कुछ जो आपके तरंग दैर्ध्य क्या होता है, देखो जो तरंग होती है, तरंग को इस तरीके से, तरंग यहाँ से ऐसे चलती हैं, कोई भी प्रकाश तरंग हो या ध्वनि की तरंग होती है ये इस तरीके से चलते हैं, और यहाँ पर ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम बोलते हैं सुरंग, तरंग का, और इसको बोलते हैं गर्त, जो कि इस मुख्य अक्ष से नीचे होता है उसको गर्त बोलेंगे, और जो मुख्य अक्ष के ऊपर, अक्ष के ऊपर होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुरंग। और यहाँ से एक तरंग यहाँ से निकल के यहाँ तक जब जाती है
इसको हम बोलते हैं आवर्ती, इसको आवर्ती बोलेंगे। और ये वाली जो दूरी होती है तरंग की मुख्य अक्ष से, तरंगों के बीच की जो दूरी होती है, इसको आयाम बोलते हैं। और दो सुरंग, एक सुरंग ये और एक सुरंग ये, दो सुरंग के या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है रोहन, ऊपर वाले नीचे वाले गर्त और ऊपर वाले सुरंग, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको तरंग दैर्ध्य बोलेंगे या वेवलेंथ बोलेंगे या लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। और नीचे वाली जो दूरी होती है इसको भी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य या लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, दोनों एक ही बराबर होती हैं। और यहाँ से यहाँ तक चलने पर जिसको बोलते हैं उसको आयाम बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। और इसको, इस दूरी को, 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 सारी दूरी को हम बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं आयाम को। ठीक है रोहन, हाँ, एक प्रिज्म से एक ही बार प्रकीर्णन होता है, विनय कुमार, सही बात है। मतलब जब तक आप रखे रखोगे उसके ऊपर प्रकाश, वो प्रकीर्णन लगातार करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। न्यूटन ने सर्वप्रथम श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम को पुनः श्वेत प्रकाश, हाँ, लैम्ब्डा का सिंबल कैसा होता है प्रियांशु शर्मा, ये उल्टा बाही होता है लैम्ब्डा, दिस इज लैम्ब्डा, एल ए एम डी ए, लैम्ब्डा, उल्टे बाही को तरंग दैर्ध्य या लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाते हैं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन और जो प्रकाश का स्कैटरिंग, बिखरना होता है, जो वायुमंडल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष रेनबो का निर्माण कैसे होता है, जानते हैं सभी बच्चे, जब वायुमंडल के अंदर बहुत तेज बारिश होती है तो वायुमंडल के अंदर पानी की बूंदें जो होती हैं हवा में तैरती रहती हैं, और ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये प्रिज्म का काम करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पानी की बूंदों से होकर गुजरता है तो वो सात रंगों में बट जाता है, क्योंकि ये पानी की बूंदें हवा के अंदर तैर रही हैं, और एक प्रिज्म का छोटी छोटी हजारों लाखों बूंदें जो होती हैं एक बड़े प्रिज्म का काम करती हैं। और जब प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरेगा तो वो सात रंग के अंदर बट जाता है, इसी को बोलते हैं हम इंद्रधनुष या रेनबो। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, पानी की बूंदों के द्वारा। पानी की बूंदें किसका काम कर रही हैं, प्रिज्म का काम कर रही हैं। रोहन ने देखा है, रोहन ने रेनबो देखा है, ठीक बात है, सभी बच्चों ने देखा होगा बारिश के दिनों में प्रिज्म बनता है। एक दूसरा होता है तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। रात में तुम लोगों ने देखा होगा तारे जो होते हैं, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाते रहते हैं, क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसकी वजह से होता है। ये भी जो पृथ्वी से तारों की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी पृथ्वी से तारों के बीच में जो माध्यम होते हैं वो बहुत परिवर्तित होते रहते हैं, माध्यम परिवर्तित होते रहते हैं, कहीं सघन हो जाएगा। हाँ, ये प्रियांशु ने रेनबो का फोटो भेजा है, देख लो भाई सभी बच्चे सही है, बिल्कुल अच्छा दिखाया इसमें, लेकिन कलर चार ही दिखाएं, एक दो तीन चार, सातों कलर होने चाहिए, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको तारों का टिमटिमाना कैसे होता है, पृथ्वी से लेके वायुमंडल के अंत तक जहाँ तक तारे होते हैं वहाँ तक वायुमंडल के अंदर अपवर्तनांक या माध्यम, सघन माध्यम या विरल माध्यम चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे माध्यम की सघनता या विरलता चेंज होती है उसी के हिसाब से माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो भी परिवर्तित होता रहता है। तो प्रकाश जो होता है यहाँ से चल के बहुत माध्यम से होकर गुजरता रहता है, जिसकी वजह से वो हमें हिलता हुआ दिखाई देता है, एक माध्यम से जाएगा दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से जाएगा तीसरे माध्यम में, और इस तरीके से वो प्रकाश जो है कभी क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, कभी अभिलंब की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो यही कारण होता है तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है बहुत सारे माध्यम से होके गुजरता है। सुबह में 3 बजे तक बहुत ज़्यादा, हाँ रोहन राजभर, सुबह में 3 बजे तक तारे जो होते हैं ज़्यादा टिमटिमाते हैं, क्योंकि 3 बजे तक
जो तारे होते हैं वो कम प्रकाश में दिखाई देते हैं, ज़्यादा प्रकाश में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? देखो, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। डिस्पर्सन का मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, और देवांश पांडे एक हॉर्स पावर बता दीजिए। एक हॉर्स पावर जो होती है, अभी मैं कल बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वन हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट के बराबर होती है, याद रखना। कल क्वेश्चन कराएंगे इसके, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो है आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश वाला। कल से मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें वहीं कराएंगे। जो वन हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है, अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो स्कैटरिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग जो होती है प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना। यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर डिस्पर्सन के अंदर क्या होता है, डिस्पर्सन के अंदर जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश से 7 रंगों में बट जाता है, लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग के अंदर प्रकाश होता है रंगों के अंदर नहीं बटता है, सभी दिशाओं में बराबर रूप से फैल जाता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रकृति के अंदर। आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, जो स्काई का कलर होता है ब्लू कलर होता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के अंदर विभिन्न तरीके के माध्यम होते हैं, उन माध्यमों का अपवर्तनांक भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब प्रकाश सूर्य का आता है या पृथ्वी से आसमान की तरफ जो प्रकाश जाता है, तो वो प्रकाश जो होता है अलग अलग माध्यम में चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो सभी प्रकार का जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में फैलने की वजह से जो हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा कलर दिखाई देता है वो ब्लू कलर होता है। इसीलिए जो आकाश का रंग होता है वो नीला होता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है आसमान, जबकि एकदम क्लियर होता है, साफ होता है। बारिश ना हो या फिर कोई धुंध वगैरह कोहरा ना हो, तो उस स्थिति में आकाश जो होता है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, हाँ रिया, ब्लू होता है। और जो गहरा समुद्र होता है, कभी देखा आप लोगों ने, जो गहरा समुद्र या गहरी नदी होती है या गहरी झील होती है, वो भी हमें नीले रंग के दिखाई देते हैं, वो भी हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? सर, पृथ्वी के चारों ओर का जल कैसे रुका है? 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? आई मीन होना सत्यनारायण। तो जो गहरे समुद्र का रंग होता है या नदियों का रंग होता है, झीलों का रंग होता है, वो नीले रंग का होता है। नीले रंग क्यों होता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि जैसे प्रकाश जो होता है वायु से जल के अंदर घुसता है, जल के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ घुले हुए होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह, बहुत सारे पदार्थ घुले होने की वजह से जल के अंदर अपवर्तनांक जो होता है वो भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और जो प्रकाश बाहर से वायु से जल के अंदर घुसता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। तो इस परिवर्तित अपवर्तनांक की वजह से प्रकाश जो होता है चारों दिशाओं में बिखर जाता है, चारों दिशाओं में अपने सभी रंगों के साथ बिखर जाता है। किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। और वहाँ पर जो हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला जो प्रकाश होता है वो ब्लू होता है, नीला होता है। इसीलिए आकाश का रंग हमेशा नीला होता है और गहरा समुद्र भी नीले रंग का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, गहरे समुद्र का या गहरी नदियों का रंग नीला क्यों होता है, या फिर तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, या जो इंद्रधनुष होता है यह किस भौतिक घटना की वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है प्रकाश, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है, तो ये चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। कल हम आपका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग उसको पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और विद्या का ऐप डाउनलोड किया हुआ है सभी बच्चों ने, अगर नहीं किया है तो कर ले, या फिर आप विद्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सोल्व